दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि सेम बैंक का क्रेडिट कार्ड का बिल सेम टाइमिंग में क्यों जनरेट नहीं होता है। लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं अलग अलग बैंक का, काफी लोग के पास सेम बैंक क्रेडिट कार्ड होता है। मान लो किसी के पास एक्सिस बैंक का दो कार्ड है, किसी के पास HDFC का दो कार्ड है, किसी के पास ICICI के दो कार्ड है, किसी के पास कोटक के दो कार्ड, किसी के SBI के दो कार्ड है, दोनों का बिल जनरेशन सेम क्यों नहीं होता है, काफी लोग के मन में सवाल है, लोग पूछते हैं इससे क्या हमें दिक्कत है क्या नहीं है। चलिए बताने वाले हैं, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों आप किसी बैंक का दो कार्ड लेते हैं, दोनों का रूल पॉलिसी नियम सब कुछ अलग अलग रहेगा, दोनों के चार्जेस ज्वाइनिंग फीस एनुअल चार्ज मेंटेनेंस सब कुछ अलग अलग रहेगा। अब सवाल यहां पे ये है कि दोनों का बिल सेम क्यों नहीं बनता है। दोस्तों चलिए उदाहरण के तौर पे ऐसे मान लो ये है एमयून ICICI पे क्रेडिट कार्ड, चलो उदाहरण के तौर पे ए भी हमारा ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड है, ये तो है HDFC का, बट उदाहरण के लिए मान लो ए भी ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड है और ए भी ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड है। अब आपने इस कार्ड से 5 तारीख को जो है खरीदारी किया और इस कार्ड से आपने किया 20 तारीख को खरीदारी। अब अगर दोनों कार्ड का बिल अगर साथ में आएगा तो दिक्कत आपको होगा, क्योंकि आपने जो सामान परचेस किया बिल बनने आपका बिल कितने तारीख का बना, 2 तारीख का बिल बना और टाइमिंग मिला पे करने का 12-13 तारीख को, तो आपका 2 तारीख को बिल बना और आप अगर 3 तारीख को परचेस करोगे और आपका जो दूसरा कार्ड है वो उसका बिल बनता है 10 तारीख को और आप सामान परचेस करते हो मात्र 11-12 तारीख को, अब दोनों का बिल अगर सेम टाइमिंग में बनेगा तो आपको जो टाइमिंग मिलता है 45 से 50 दिन का वो नहीं मिलेगा। तो बैंकें जो है क्या करती हैं कि आप अगर इस कार्ड से जो ट्रांजेक्शन किए हैं इसका बिल आपको मतलब कि उसका टाइमिंग पे करने का तो सेम रहेगा बट बिल आपका अलग अलग जनरेट होगा। अगर वो लिमिट आपका अलग अलग है तो बिल अलग अलग बनेगा, अलग अलग डेट पे बनेगा। अगर लिमिट आपका मर्ज है तो आपका सेम टाइमिंग में बिल बनेगा बट बिल आपके पास आगे पीछे आएगा, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे मर्ज क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है वो आपस में जुड़ी होती है, इसे खर्च किया इसका भी गया, इसका खर्च किया इसका भी गया, तो इस तरह से बिल इसका सेम टाइमिंग होता है। बट अगर आपकी लिमिट अलग अलग है तो उस कंडीशन में आपका बिल भी अलग अलग बनेगा, क्योंकि दोनों का अकाउंट नंबर अलग अलग रहेगा। क्योंकि आप अगर मर्ज कार्ड लेते हो तो एक ही अकाउंट पे दो कार्ड आपका लिंक रहेगा, और अगर अलग अलग आप लेते हैं कार्ड आपका लिमिट अगर मर्ज नहीं है तो इस अकाउंट में मान लो 1 लाख है इसमें आपका 50,000 है तो अकाउंट नंबर अलग अलग हो गया, तो इसलिए ये ऐसा होता है। अगर बैंक सबका मतलब कि जो कार्ड मर्ज नहीं है लिमिट अगर आपका अलग अलग है सेम टाइम पे बिल जनरेट कर दिया तो आपका नुकसान होगा, बैंक का तो फायदा होगा। तो बैंक के मर्ज कार्ड की लिमिट को हमेशा जो है आपका सेम टाइमिंग में कर देती है और अलग अलग लिमिट का अलग अलग करती है जिससे आपको दिक्कत ना हो, हमेशा बैंक आपके हित के लिए काम करती है, इस चीज को ध्यान जरूर देके चलना। तो मैंने आपको जो चीजें बताया अब तक शायद कोई आपको इस तरह से नहीं बताया होगा, और याद रखना लिमिट अगर आपका मर्ज है तो आपको मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक कार्ड को बंद करवा देना, दूसरा यूज करने में कोई आपका बेनिफिट नहीं है, आप फालतू का उसका ज्वाइनिंग फीस एनुअल चार्ज पे करोगे। अगर लिमिट अलग अलग है तो आप दो कार्ड रखो सेम बैंक का, कोई दिक्कत नहीं है। मर्ज लिमिट का दो कार्ड रखना मेरे लिए तो बेनिफिट लाभदायक नहीं लगता है, अब आपको अगर लगता है तो आप रख सकते हैं, काफी लोग को टिकट बुकिंग करना पड़ता है और काम ना पड़ता है तो जिनको ज्यादा काम है वो रख सकते हैं, नॉर्मल पर्सन है तो एक कार्ड एक बैंक का रखो, अगर आपका लिमिट अलग अलग है तो दो रखो तीन रखो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट मर्ज आपको एक ही रखना है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान देके चलना है। आपने जान लिया समझ लिया, वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना।